कंट्री से ज्यादा की तो एक्सपेक्टेशन है कि लोग आने वाले हैं, सौ डेलीगेट्स आने वाले हैं। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर कश्मीर, इट इज बिग थिंग फॉर इंडिया। श्रीनगर की जो खूबसूरती है, उसकी जो अहमियत है, वो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। एक भारतीय होने का जो गर्व है, एक जो इंडियन होने की जो प्राइड है, वो दोबारा पैदा करिए। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है दोस्तों यही है। इंडिया जिसे आप अपना दुश्मन मुल्क गर्दानते हैं, इंडिया में मर्सिडीज मकामी तौर पर तैयार हो रही है और हमारे यहां हम आज भी चारपाई तक खुद नहीं बना पा रहे। आप लोग हैं टोटल यू आर लाइक अ बकरी, आप लोगों में जान नहीं है, आप लोगों को फुस पटाखा, जो जिसने लाई लग जहां लगा दिया वहां लग गए, इसका सबूत सबूत सबूत। आपको $5-10 billion चाहिए होंगे, आप आराम से मोदी जी को फोन करो एक बार कि भाई 10 billion दे दो, 5 billion दे दो, पियोगे ले लो, we will happily give that money to you। और मुझे लगता है कहीं पे शहबाज शरीफ और बिल्लो रानी को आइडिया मिल गया कि अगली बार मोदी जी कहीं मिल गए, ठीक है, तो शहबाज शरीफ दायां पैर पकड़ेगा और बिल्लो बायां, और बोलेंगे मोदी जी जब तक आप हमें $5-10 billion नहीं दोगे, हम ये पैर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन कश्मीर के इतिहास में सबसे शानदार दिन है, जिस कश्मीर को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान कई सालों से अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था, आज वही पाकिस्तान खुद बर्बाद हो चुका है। जो देश कश्मीर का इस्तेमाल करते थे भारत को दबाने के लिए, वही देश अब कश्मीर आए हैं कश्मीर की सैर करने, और भारत ने दुनिया के कई बड़े देशों को कश्मीर लेकर आया है कश्मीर दिखाने। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से G20 देशों के धमाकेदार एंट्री हुआ है कश्मीर में। कई सालों पहले तक जिन कश्मीर की सड़कों पर आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाज घूमते थे, वही सड़कों पर G20 के डेलीगेट्स की गाड़ियां घूम रही है, और आज कश्मीर दुनिया का स्वागत कर रहा है। अगर पाकिस्तान बचा रहा हो तो पाकिस्तान कश्मीर की तरक्की को देखकर दिन रात रोएगा, और POK के लोगों को कश्मीर की ये इमेजेस को अपने वॉलपेपर पर लगाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ये आ रहा है कि ये पाकिस्तान ने जी ये एक तरह की जंग थी जो जीत ली है, हमारी ये फतह है कि हमने जो है वो कई कंट्रीज को ये बता दिया है कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, वहां पे नहीं होनी चाहिए थी ये आपकी जो G20 की समिट है। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए आरजू जी, सबसे पहले तो आपकी कंट्री को मुबारकबाद, आप G7 के मेंबर बन रहे हैं और हम तो G20 करा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान G7 का मेंबर बन रहा है। और ये मुझे भी खबर मिली है कि शायद G7 का एक पैरेलल ग्रुप पाकिस्तान शुरू करने वाला है, जिसके मेंबर्स होंगे लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया और ऐसे जो आपके मिलते जुलते जो नेशंस हैं आपके साथ, तो आपका एक स्पेशल ग्रुप बनने जा रहा है G7 का। तो ये इसलिए आपको मुबारकबाद हो इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि जो G20 की मीटिंग है, हमारे अंदर घबराहट इसीलिए बिकॉज ऑफ G7 के मेंबर बनने वाले हैं, तो थोड़ी सी होती है कि हम तो सिर्फ G20 के मेंबर हैं, उसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास है, आप G7 के मेंबर बनने जो कि पैरल G7 कंट्रीज को पैरल टक्कर देने वाली है, जिसके अंदर शायद हम लोग एंटर भी करने वाले हैं। अभी G8 होने वाला की पूरी आशंका है कि अगले साल तक वो G8 भी हो जाएगी, और मुझे लगता है मोदी जी के अगले टर्म की वेट हो रही है। जैसे G20-24 में ये ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले हैं मोदी जी, तो शायद G8 के मेंबर भी हम बन जाए। सो घबराहट तो बनती है, देखिए हम बहुत छोटे से फोरम में G20 में, आप कहाँ G7 में, तो सही बात है सर। लेकिन सर G20 में भी पाकिस्तान ही पाकिस्तान है, अगर आप देखें तो सिर्फ पाकिस्तान ही डिस्कस हो रहा है आपके टीवी चैनल्स पे भी और वैसे भी जो है, क्योंकि हमने तो कहा है ना कि आप वहां नहीं, मतलब कश्मीर में नहीं कर सकते, खैर ये और बातें आप फिर भी कर रहे हैं, मगर सर आपको लगता है कि इस किस्म की बात करने से कोई प्रेशर आता है किसी, मतलब भारत के ऊपर या किसी और कंट्री के ऊपर, क्योंकि 2-3 कंट्रीज ने जाने से भी इनकार कर दिया? देखिए चाइना का वहां पे ना आना इट इज अंडरस्टैंडेबल, भाई आपका माई बाप है, बच्चे की केवल बाप को सुननी भी पड़ती है, तो आपकी उन्होंने सुना, सुनाई उनको, सुनना पड़ा उनको,
आपको खुश करने के लिए, नहीं तो बच्चा नाराज हो जाता, क्या करते हो। तो आपकी भी थी उनकी प्रॉब्लम है। सेकेंडली चाइना को अपना भी कुछ दिखाना है कि भाई वी आर नॉट एग्रीइंग विद जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो भी कुछ क्लेम करते हैं अपना एरिया। आई डोंट नो व्हाई, क्या उनको हक मिलता है क्लेम करने का, बट एनीवेज मेरा कंट्री है यहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता उसके लिए। बट एज फार एज टर्की एंड इजिप्ट आर कंसर्न, उनके अपने मिसाइल इतने हैं आज की डेट में कि वो आने, बिकॉज उनके अपने इलेक्शंस भी चल रहे हैं। तो इसको क्या है कि लोग डॉट्स को जोड़ देते हैं अननेसेसरली कि भाई ये मुस्लिम कंट्रीज हैं इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया, बट ये नहीं समझते कि उनके अपने मिसाइल हैं। पाकिस्तान जिसका लेना देना नहीं है G20 में, वो छाया हुआ सब जगह पे ओनली ऑन इंडियन मीडिया एंड पाकिस्तान मीडिया फॉर नो रीजन एट ऑल। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये डिस्प्यूटेड तब होता कि जब G20 के वो ममालिक जो कश्मीर को डिस्प्यूटेड नहीं समझते पहले, या वो इंडिया पाकिस्तान तकाजे में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, उनमें से कोई कहता कि जी ये तो डिस्प्यूट हो गया तो हम नहीं जा रहे, तो फिर आप कहते कि आपकी कोई डिप्लोमेटिक जो है वो फतह है। आप जो अपने ही लोगों को पकड़ पकड़ के दोबारा बैठाएं, भाई ये तो आपके अपने लोग हैं आपकी साइड पे ऑलरेडी कश्मीर इशू पे, तो इन्होंने यहाँ बैठ गए और वहां नहीं बैठे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? किसको नहीं पता कि चीन जो है वो ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान है जी कश्मीर डिस्प्यूट पे, या तुर्की, सीधी सी बात है। बाकी जो मुल्क हैं उनकी चलें छोड़ें, इतनी ज्यादा अहमियत भी नहीं। मसलन मिस्र तो एक वैसे भी एक मुबसर के तौर पर इन्वाइटेड था, तो मुबसर के तौर पे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो ही मुल्क आप काउंट करें जो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम इस नुकता नजर से देखें तो बहुत सारे मगालते क्लियर हो जाते हैं कि ये किसी भी तरीके से किसी की कामयाबी और नाकामी का सवाल नहीं है। अलबत्ता मोदी साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, चूँकि ये दो मुल्क वैसे ही उनके खिलाफ हैं और बाकी मुल्कों ने जो शिरकत की है उसकी वजह से उनका जो एजेंडा था, ख्वाब वो टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से हो या ये साबित करने के हो कि जी कश्मीर में जो है वो अमन है, अब ये अभी होना बाकी है, क्योंकि अभी इजलास होंगे बाकी भी, तो फिर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई जलसा जुलूस या कोई इस तरह का वाकया या मिलिटेंसी वगैरह होती है दूसरी बात है, वरना इस वक्त तक वो बिल्कुल कामयाब है। इससे पहले तिब्बत के उसके जो है लद्दाख के हवाले से जो उन्होंने इवेंट किया, जाहिर है वो चीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसमें भी वो कामयाब रहे हैं। तो इस नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो ज़रा फ्लिप करके देखें कि अगर आप इसके जवाब में बगलें बजाएं कि जी हमने तो चीन और तुर्की को रोक दिया तो ये तो कश्मीर डिस्प्यूट हो गया, तो आप जो है वो एक बार फिर अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो है आप इस तरह का एम्यूनेशन इकट्ठा कर रहे हैं जो आपको इलेक्शन में तो काम आ सकता है या अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें किसी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने जी G20 में, अब ये कहना कि हमने कुछ भी नहीं किया ये तो फिर कोई जवाब नहीं ना जी। तो इसलिए कम अज कम आपको कहने के लिए ये बच गया कि जी हमने जो है, वरना आपकी हालत ये हो गई के श्रीनगर में G20 का इजलास हो रहा है, तीन मुल्कों को माइनस कर लें तो उसके बावजूद वहां पे दर्जनों मुल्क जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल डिस्कशन हो रही है, दुनिया का सारे फाइनेंशियल जो मूवर और शेकर्स हैं, गुरु हैं, वो वहां पे बैठे हुए हैं, एक प्लानिंग हो रही है। श्रीनगर की जो खूबसूरती है उसकी जो अहमियत है वो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। दूसरी तरफ आपने जनाब बहुत बड़ी जो आपकी इस वक्त की कामयाबी है वो ये है कि आपने बिलावल भुट्टो को जो है वो पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की पार्लियामेंट में बुलाया खताब करने के लिए। मतलब ये इसके अलावा आप मुझे दिखा दें कि आपकी ये कामयाबी है जी उसके जवाब में हमने ये किया था। चलो वो जो कुछ हुआ वो तो चीन ने किया या तुर्की ने किया, थैंक यू वेरी मच, वी अप्रिशिएट दैट, लेकिन सवाल ये है कि आपने क्या किया।